Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 28th of January 2020. और discussion शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ questions हैं. So first question is, which of the following statements regarding emperor penguins is oblique are incorrect? पहला statement है, it is one of the Antarctica's endemic species. सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज एंडेंजर्ड एज पर IUCN. चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. योर ऑप्शंस आर ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, या फिर डी नाइदर वन नॉर टू. सेकेंड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट है इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक वुड बी सेटअप इन लखनऊ. दूसरा स्टेटमेंट है द क्लिनिक इज बीइंग कंसीव्ड इन कंप्लायंस विद द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट. योर ऑप्शंस आर ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, या फिर डी नाइदर वन नॉर टू. थर्ड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यूमोकोनोसिस फंड. पहला स्टेटमेंट है मध्य प्रदेश हैज अनाउंस द क्रिएशन ऑफ न्यूमोकोनोसिस फंड. सेकेंड स्टेटमेंट इज इट वुड बी फाइनेंस्ड बाई द मनी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन. थर्ड स्टेटमेंट है द फंड विल बी ऑपरेटिंग अंडर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज अब्लिक आर करेक्ट. योर ऑप्शंस आर ए वन एंड टू ओनली, बी टू एंड थ्री ओनली, सी वन एंड थ्री ओनली, या फिर डी वन टू एंड थ्री. तो आप लोग इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में. एंड जिनको भी आंसर्स ना पता हो वो वीडियो के एंड पर जाएं, वहां पर इनके आंसर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. एंड हम लोग अपना न्यूज़ डिस्कशन शुरू करते हैं. और आज हम लोग सबसे पहले एडिटोरियल पेज डिस्कस करेंगे. तो एडिटोरियल पेज पे जो हमारा सबसे पहला एडिटोरियल है डेट इज टाइटल्ड एज क्राइम एंड पॉलिटिक्स. एंड जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी कोशिश की है कि पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइजेशन से दूर रखा जाए और क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, उसको लेकर के यहाँ पर एडिटोरियल लिखा गया है. तो सबसे पहले ये क्यों लिखा गया एडिटोरियल, उसका कारण समझ लेते हैं. तो सबसे पहला कारण इसका ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एक पिटीशन दायर की थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को निर्देश दिया जाए कि दे विल नॉट फील्ड कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स. तो जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज ना फील्ड करें, ऐसा डायरेक्शन देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया है. ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों थी? तो सबसे पहली बात इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस बार जो हमारे 46% MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, दे हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स. तो उनका कोई ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड है. 46% विच इज अ ह्यूज नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स दैट हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स. अब कुछ लोग इसमें बोल सकते हैं कि पॉलिटिशियंस के खिलाफ तो अगर वो प्रोटेस्ट निकालें या कुछ भी निकालें या बहुत सारे गैर राजनीतिक आरोप भी लग जाते हैं तो इस कारण से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है. पर अगर इन 46% में से कंपेयर किया जाए तो अराउंड 29% ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर दोज हु हैव अ सीरियस डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम. ठीक है, तो सीरियस क्रिमिनल केसेस जैसे डकैती, रेप, मर्डर, ये सारे चार्जेस हैं. ठीक है, तो नॉर्मल चार्जेस नहीं है कि नॉर्मल क्रिमिनल चार्ज हैं कि आपने कोई अनलॉफुल असेंबली की या फिर आपने कुछ ट्रेस पास कर दिया. देर आर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस. तो इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद से तो मानेंगे नहीं तो आप ही उनको डायरेक्ट कर दीजिए या आप ऐसा लॉ बना दीजिए. अब पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ऐसे कैंडिडेट्स को फील्ड करती हैं उसका कारण समझ लेते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे कैंडिडेट्स को फील्ड करने का सिर्फ एक ही एक कारण है क्योंकि वो जीतने की उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है. दूसरा कारण ये है कि वो जो मसल मैन है या फिर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपना चुनाव खुद ही फाइनेंस कर सकते हैं. तो इस कारण से पॉलिटिकल पार्टीज भी कोशिश करती हैं कि ऐसे लोगों को फील्ड किया जाए. दूसरा ये है कि ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हैं लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार हमारा काम तो ये आदमी करवा देगा. ठीक है, किसी भी तरीके से करवाए, गलत या सही, पर हमारा काम करवा देगा. तो इसलिए मतलब ऐसे लोगों को वोट दिया जाता है. आप एडिटोरियल में बाकी स्टेप्स भी हाईलाइट किए गए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए ताकि पॉलिटिक्स को डिक्रिमिनलाइज किया जाए.
तो सबसे पहली चीज जो एडिटोरियल में हाईलाइट की गई है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो 2013 में ये किया कि पहले क्या होता था कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता था एमपीज एमएलएज का, अगर उनको कन्विक्ट भी कर दिया जाए तो उनको अपील करने का टाइम दिया जाता था, उस टाइम तक उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिक्वायरमेंट थी इसको हटा दिया। इसके अलावा 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाइए ताकि जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ क्रिमिनल केसेस है उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। इसके अलावा 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज को बोला कि आप खुद पब्लिसाइज करेंगे कि आपके किन किन नेताओं के खिलाफ कर क्रिमिनल केसेस अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने किया ताकि एक तरह से नेमिंग एंड शेमिंग की जा सके एंड जो क्रिमिनल पॉलिटिशियंस हैं उनसे जो हमारी पॉलिटिक्स है उससे उसको निजात मिल सके। क्या और किया जा सकता है जिसके ज़रिए इसको ठीक किया जा सके, तो यहाँ पर एडिटोरियल का सजेशन ये है एंड जो आप लोग भी अपने सजेशन में यूज़ कर सकते हैं कि जिन कैंडिडेट्स के खिलाफ या जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हो गए हैं सीरियस ऑफेंसेस को लेकर के, उनको इलेक्शन में खड़े होने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक तो ये किया जा सकता है कि बाय लॉ ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं उनको डिबार कर दिया जाए। दूसरा जो है वो लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। तीसरा जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है लोगों का अगर वो बढ़ाया जाए तो उसके जरिए भी पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनल्स का एक तरह से कंट्रोल हो रखा है उसको तोड़ा जा सकता है। तो ये तीनों सजेशंस याद रखने। सबसे पहला ये कि जो जिनके खिलाफ कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं उनको नहीं खड़े होने देना चाहिए। दूसरा, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए एंड तीसरा, लोगों के अंदर अवेयरनेस इंक्रीज की जाए। तो ये तीन सजेशंस हम लोग ध्यान रखेंगे जो हम अपनी तरफ से दे सकते हैं फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। नाउ कम टू द लीड आर्टिकल एंड आज का जो लीड आर्टिकल है दैट इज टाइटल्ड एज रिट्रीविंग द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप। तो यहाँ पर मैं पहले आपको इसका जो एसेंस है या क्या इस आर्टिकल में बेसिकली डील किया गया है उसके बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद जो इसके फाइन पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस एक आर्टिकल में बेसिकली जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं एंड कैसे वहाँ पर प्रियम्बल हो या नेशनल सॉन्ग हो नेशनल फ्लैग हो इसका यूज़ किया जा रहा है उसको लेकर के हाईलाइट किया गया है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि लोग अपनी नागरिकता को समझ रहे हैं। दे आर रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अ सिटीजन एंड इन सारे सिंबल्स के जरिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से एक रिवाइवल मिल रहा है। इस चीज़ को ऑथर ने इस पूरे के पूरे आर्टिकल में हाईलाइट किया है, ठीक है। सो ऑथर हाईलाइट्स The protesters are using the novel method of protest and this has led to increase in the importance of preamble. अब ये जो CA के protest हो रहे हैं वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वो लोग preamble पढ़ रहे हैं और preamble में जो values दी हुई हैं हमारे constitution की एंड जो उम्मीद थी हमारे constitution से उनको उसके बारे में पता चलता है। तो ये एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा जो national flag है वो फहराया जा रहा है। इसके अलावा फैज अहमद फैज की जो पोएट्री है जैसे कि हम देखेंगे और तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं जिसके ज़रिए लोग जो है वो एक तरह से एक अलग तरीका है प्रोटेस्ट करने का जो नॉर्मल तरीकों से अलग है। एंड यहाँ पर इसके ज़रिए हो क्या रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ किसी राज्य किसी विधानसभा या किसी संसद की प्रॉपर्टी नहीं रह गई है बल्कि अब संविधान जो है वो लोगों का संविधान हो गया है और लोग उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए। इसके अलावा इस एक आर्टिकल में ऑथर ने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया है कि अब जो हमारी जुडिशरी है उसका भी एक तरह से ट्रायल मूवमेंट है। अब यहाँ पर जुडिशरी नहीं लोगों को ट्राई करेगी बल्कि लोग जुडिशरी को ट्राई करेंगे, मतलब कि जुडिशरी का एक तरह से टेस्ट है कि वो कैसे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। क्योंकि देखा यह जा रहा है कि 2017 के बाद जब राइट टू प्राइवेसी जजमेंट आया उसके बाद ज़्यादातर टाइम सुप्रीम कोर्ट या फिर जो अदर जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं हमारी वो गवर्नमेंट के साथ कोऑप्ट कर रही हैं, जैसा गवर्नमेंट चाहती है वो वैसे डिसीजंस दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से अभी जब सीए पे सुनवाई होगी तो एक तरह से ये देखा जाएगा कि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज हैं उनके साथ है या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसके फेवर में डिसीजन देती है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है और एक तरह से इसको ऑथर ने अच्छा माना है कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करके और जो बाकी सिंबल्स हैं उनका यूज़ करके दे आर डेवलपिंग अ फीलिंग ऑफ सिटीजनशिप। तो इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। नाउ कम टू द सेकेंड आर्टिकल एंड
आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू एडॉप्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है, दिस आर्टिकल हैज बीन रिटन इन रिस्पॉन्स ऑफ द आर्टिकल पब्लिश्ड इन ऑन जनवरी 23 इन द हिंदू। एक आर्टिकल आया था उसके उसको जवाब दिया गया है, क्योंकि वहां पर बायोटेक्नोलॉजी के खिलाफ लिखा गया था, बीटी के खिलाफ लिखा गया था कि वाई बीटी शुड नॉट बी अडॉप्टेड। यहां पर ऑथर ने उसी चीज का जवाब दिया है, जो वहां पर मेन आर्गुमेंट्स थे उनको फैक्चुअली उन्होंने करेक्ट किया है। तो जो 23 जनवरी को आर्टिकल छपा था उसका सबसे पहला पॉइंट क्या था, देयर ऑथर हैज हाईलाइटेड दैट जीएम कॉटन कवर्स 95% ऑफ द एरिया अंडर कॉटन एंड दैट देयर आर नो चॉइसेस फॉर फार्मर्स। तो उनका कहना ये था कि 95% जो हमारा कॉटन है दैट इज अंडर जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन एंड फार्मर्स के पास कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि इंडियन फार्मर्स हैव वोटेड फॉर चॉइस ऑफ सीड्स विद बायोटेक्नोलॉजीज बाय प्लांटिंग हाइब्रिड कॉटन बायोटेक सीड्स ऑन ओवर 90% ऑफ द कंट्रीज कॉटन एक डेज, ठीक है। तो हाइब्रिड कॉटन सीड्स का यूज किया जा रहा है एंड आज के ऐसा नहीं कि आपके पास चॉइस नहीं है, देयर आर ओवर 800 हाइब्रिड बीटी कॉटन सीड ब्रांड्स फ्रॉम ओवर 40 इंडियन एंड ग्लोबल सीड कंपनीज। तो ओवरऑल जो उनका पहला आर्गूमेंट था कि एक कोई चॉइस नहीं है फार्मर्स के पास, वो गलत है। देयर आर ओवर 800 हाइब्रिड बीटी कॉटन सीड ब्रांड्स फ्रॉम ओवर 40 इंडियन एंड ग्लोबल सीड कंपनीज एंड इंडियन फार्मर्स जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर अपना फेथ जो है वो फिर से दिखा रहे हैं एंड एक तरह से जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आर्टिकल था, दूसरा जो पॉइंट था उस आर्टिकल का, वो ये था कि लो प्रोडक्टिविटी है। तो यहाँ पर ऑथर का कहना ये है कि अगर हम बात करें तो जो कॉटन यील्ड है हमारा वो 1.8 टाइम्स इंक्रीज किया है 2002-2003 में। कॉटन यील्ड कितना था, 241 किलोग्राम पर हेक्टेयर एंड दैट हैज़ इंक्रीज टू 541 किलोग्राम पर हेक्टेयर इन 2018-19। ऑथर का कहना यह है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण यील्ड नहीं बढ़ता है, और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जैसे क्रॉप मैनेजमेंट, जिनके कारण और जो नंबर ऑफ अनसर्टेनिटीज आर देयर कि बारिश सही हुई या बेमौसम बरसात तो नहीं हो गई, तो इन सारी चीज़ों के कारण भी यील्ड के ऊपर असर पड़ता है। तो सिर्फ ये कहना कि बायोटेक्नोलॉजी के कारण यील्ड नहीं बढ़ रही है वो गलत होगा। तीसरा पॉइंट जो उस एक आर्टिकल में दिया गया था वो ये था कि भारत में लो कॉस्ट मैनुअल लेबर अवेलेबल है, तो बायोटेक्नोलॉजी या फिर मैकेनाइजेशन ऑफ जो एग्रीकल्चर है उसकी तरफ हमको नहीं जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई इस बात की है कि जो मैनुअल लेबर है दैट इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल एंड जो लेबर कॉस्ट है दैट एलोन अकाउंट्स फॉर 58% ऑफ अ फार्मर्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन पर एकड़। तो अच्छी बात है अगर कम मैनुअल लेबर इस्तेमाल करना पड़े तो फार्मर्स जो हैं वो उनका जो प्राइस है या जो उनको रेमुनरेशन है वो अच्छा मिलेगा। तो एक तरह से ये जो तीसरा आर्गुमेंट भी उन्होंने दिया था कि लो कॉस्ट मैनुअल लेबर वाला, वो भी ऑथर ने उसको बताया है कि वो गलत है। जो चौथा आर्गुमेंट दिया था वहां पर 23 जनवरी वाले आर्टिकल में, वो ये दिया गया था कि इंडियन फार्मर्स को जो है वो लगातार सीड्स वापस से फिर से खरीदना पड़ता है। तो ऑथर का कहना यह है कि सिर्फ बायोटेक कॉटन के साथ नहीं, बल्कि आप कोई भी हाइब्रिड सीड अगर यूज करेंगे और उसको फिर से रीप्लांट करेंगे तो ज्यादातर टाइम क्या होता है कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे घटती रहती है। और नए सीड लेने का फायदा यह होता है कि हर साल फार्मर को बेहतर उत्पाद प्रोडक्ट में प्रोडक्टिविटी जो है वो हर साल ज्यादा रहती है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ऑथर का कहना यह है कि हमको बायोटेक्नोलॉजी के खिलाफ जो दुष्प्रचार हो रहा है उसको रोकना चाहिए एंड फार्मर्स अगर उसको अपनाना चाहते हैं तो वी शुड अलाउ देम टू अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी। नाउ कम टू द ऑपेड पेज एंड ऑपेड पेज पर जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है दैट इज टाइटल्ड एज द ट्रेजेडी ऑफ द रिजीम्स को ट्रेवलर्स। तो यहाँ पर जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं एंड कैसे वो भी सीए के कारण अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं उस चीज़ को हाईलाइट किया गया है। तो दैट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो वी कैन स्किप इट। नाउ कम टू द सेकेंड आर्टिकल एंड सेकेंड आर्टिकल इज टाइटल्ड एज द रोड टू जेनोसाइड। तो यहाँ पर इस एक आर्टिकल में पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसका एसेंस क्या है, ऑथर ने क्या बताने की कोशिश की है, फिर उसके जो फाइन पॉइंट्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। इस एक आर्टिकल में ऑथर ने बेसिकली ये बताया है कि जर्मनी में
वर्ल्ड वॉर टू के पहले और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ज्यूज का कैसे नरसंहार किया गया एंड कैसे उसके लिए जो है वो ग्राउंड तैयार किया गया एंड कैसे ऐसी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट कर पाती हैं एंड हमको कैसे उससे बच करके रहना चाहिए या उससे अवेयर रहना चाहिए। तो इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया। अभी क्या आर्टिकल क्यों लिखा गया है, बिकॉज 27th ऑफ जनवरी को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है एंड दिस ईयर मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ द लिबरेशन ऑफ ऑस्ट्रिज। एंड ये ऑस्ट्रिज जगह इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ओवर 5.5 million to 6 million पीपल डेट वर किल्ड इन होलोकॉस्ट, अराउंड 9,60,000 आर बिलीव टू हैव डाइड एट दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है एंड इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि कैसे जो जर्मनी की गवर्नमेंट थी उस समय की वो ऐसा कर पाई। तो सबसे पहला स्टेज जो था वो आइडेंटिफिकेशन का था। ठीक है, तो अब आइडेंटिफिकेशन में क्या किया गया, सबसे पहले ज्यूज़ को आइडेंटिफाई किया गया एंड देयर सिटीजनशिप वॉज क्वेश्चन, उनकी नागरिकता क्वेश्चन की गई एंड देन इट वॉज डिसाइडेड कि आप जो हैं वो ज्यूज या सिटीजन जो है जर्मनी के सिर्फ बाई ब्लड हो सकते हैं या फिर आप कंडक्ट के जरिए आप जर्मन सिटीजन हो सकते हैं। तो पहले आइडेंटिफिकेशन किया गया, देन देयर वॉज कॉन्स्टेंट डेमोनाइजेशन, लगातार ज्यूज के खिलाफ एक माहौल बनाया गया कि ज्यूज खराब हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपकी गरीबी का जो कारण है वो ज्यूज हैं, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सबका कारण क्या है, ज्यूज हैं। देयर वॉज कॉन्स्टेंट डेमोनाइजेशन एंड देन देयर वॉज द फाइनल स्टेप ऑफ सेंडिंग देम टू गैस चैम्बर्स। तो यहाँ पर तीन स्टेप्स थे, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा कॉन्स्टेंट डेमोनाइजेशन एंड देन द फाइनल स्टेप ऑफ जेनोसाइड वॉज डन। तो और उसमें लोकल्स जो वहाँ की पॉपुलेशन थी उन्होंने भी जो वहाँ की उस समय की गवर्नमेंट थी उसको बहुत एक्टिवली कोऑपरेट किया। तो इसी चीज़ को ऑथर ने हाईलाइट किया है कि जब जेनोसाइड होता है या नरसंहार होता है तो उसके यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके यही सारे गुण होते हैं। तो एक तरह से अगर हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहें तो आज के भी बहुत सारे देशों में ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर अभी आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है उसके बाद जो है उन लोगों को कॉन्स्टेंट डेमोनाइज किया जाता है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को या फिर और किसी कम्युनिटी को, एंड देन अ फाइनल स्टेप ऑफ जेनोसाइड विल बी डन। तो इस चीज़ को ऑथर ने हाईलाइट किया है एंड वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट, ऐसा ऑथर का कहना है। नाउ कम टू पेज नंबर 1 एंड यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू एयर इंडिया। एंड एयर इंडिया को अभी तक सरकार जो है वो बेचना चाहती थी, उसमें सक्सेसफुल नहीं हुई, तो अब जो है वो एक नई डील लेकर के आए हैं कि कैसे एयर इंडिया को बेचा जाए। तो उस नई डील के कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, उनको हम लोग समझ लेते हैं। और उससे भी पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एयर इंडिया वाला क्वेश्चन जो है वो आपसे कहाँ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपसे GS 3 में इकोनॉमिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के पूछा जा सकता है या फिर एक जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन एयरलाइंस, या फिर जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है इन जनरल उसकी प्रॉब्लम क्या है एंड इंडिया में वो क्यों फेल हुई। क्योंकि जैसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे नहीं चल रही हैं, या किंगफिशर टाइप की भी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज जिनको बंद करना पड़ा। तो इस कारण से ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अभी जो नई डील आई है उसमें गवर्नमेंट क्या ऑफर कर रही है। तो 2018 में गवर्नमेंट ने बोला था कि दे विल सेल 76% स्टेक, लेकिन 2020 में गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि 100% स्टेक जो है वो सेल करेंगे। दूसरा था कि 15,000 करोड़ पहले कर्जा माफ करना था, नाउ अ वेवर ऑफ डेब्ट ऑफ ₹40,000 करोड़। दूसरा जो चेंज गवर्नमेंट ने किया है वो ये है कि पहले एम्प्लॉय एंटाइटलमेंट्स को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं थी कि जो एयर इंडिया के अभी एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या क्या बेनिफिट बाद में देना होगा। अभी गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि फ्री ट्रेवल, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड एनुअल एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन देम, दे हैव क्लैरिफाइड इट। इसके अलावा पहले गवर्नमेंट ने यह बोला था कि जो डेटा रूम है दैट विल बी ओपन ड्यूरिंग फाइनेंशियल बिड्स, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने यह बोला है कि डेटा रूम एंड ड्राफ्ट शेयर परचेज एग्रीमेंट कैन बी एक्सेस्ड इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। तो ये कुछ चीज़ें की हैं गवर्नमेंट ने ताकि एयर इंडिया को कोई खरीदार मिल सके एंड इट कुड बी सोल्ड ऑफ।
नाउ कम टू द सेकेंड आर्टिकल एंड यहाँ पर जो हमारी दूसरी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू बोडोलैंड एंड यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स असम गवर्नमेंट एंड बोडो गवर्नमेंट्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू रीनेम द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट इन असम विच आर करेंटली स्प्रेड ओवर द फोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोकराझार चिरांग बाक्सा एंड उदालगुरी गुरी ठीक है तो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है किनके किनके बीच में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स असम गवर्नमेंट एंड बोडो गवर्नमेंट्स के बीच में सॉरी बोडो ग्रुप्स के बीच में एंड इस एक एग्रीमेंट के अंदर क्या है कि जो एरियाज द वो सारे विलेजेस विच आर डोमिनेटेड बाय बोडोस एंड आर प्रेजेंटली आउटसाइड बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट से बाहर है जो गांव और जहां पर बोडोस की आबादी ज़्यादा है उनको शामिल किया जाएगा एंड ऑल दोज विलेजेस वेयर बोडोज आर नॉट डोमिनेंट डैट विल बी एक्सक्लूडेड आउट ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट तो इस एक चीज़ का एग्रीमेंट साइन किया गया है अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा बोडोस क्या है एंड ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं में सो बोडोज आर द सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन असम मेकिंग अप ओवर 5-6% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन ठीक है तो बोडोज जो है वो कहां के ट्राइबल कम्युनिटी है मेनली असम की एंड दे आर द सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन असम एंड इनका जो मेजर कंसंट्रेशन है वो डेट इज इन फोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम कोकराझार बाक्सा उदालगुरी एंड चिरांग 1966-67 से जो है वो एक सेपरेट बोडोलैंड स्टेट की डिमांड चल रही है एंड इन 1987 ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन रिन्यूड द डिमांड डिवाइड असम 50-50 ठीक है तो 50% जो असामीज हैं एंड 50% ऑफ द असम शुड बी डिवाइडेड फॉर बोडो पीपल तो इस तरह का मूवमेंट जो है चल रहा था एंड इसी को शांत करने के लिए अभी जो है ये एक तरह का एग्रीमेंट साइन किया गया तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे बोडोज के बारे में कि कौन से स्टेट से हैं असम से हैं एंड एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड नाउ कम टू पेज नंबर 5 एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है डैट इज़ रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रूल तो इससे जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग समझ लेते हैं तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर यशवंत सिन्हा और बीजेपी के जो लीडर थे पहले उन्होंने ये बोला है कि ये गवर्नमेंट जो है ये हो सकता है अगर सीए को लेकर के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के स्टेट्स बात ना माने तो उनके ऊपर प्रेसिडेंट रूल भी लगाया जा सकता है अब प्रेसिडेंट रूल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर लगाया जा सकता है इट कुड बी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 356 तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर तीन तरह की इमरजेंसीज हैं पहली है नेशनल इमरजेंसी विच इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 352 दूसरा है जिसको कॉमन भाषा में स्टेट रूल प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है डैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 356 एंड द थर्ड वन इज देयर इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 360 तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रूल है उसकी बात की जा रही है अंडर आर्टिकल 356 अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है तो प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर या खुद से भी किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि आर्टिकल 356 के अंदर जो है प्रेसिडेंट रूल का प्रावधान है एंड सेंटर कुड यूज इट दूसरा जो एक आर्टिकल हम लोगों को ध्यान रखना है वो है आर्टिकल 365 जहां पर ये लिखा हुआ है कि इफ अ स्टेट फेल्स टू फॉलो द डायरेक्शन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट देन इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी तो अगर कोई भी स्टेट जो है वो सेंटर की बात मानने से मना करता है तो That could become a ground for imposition of president rule under Article 356. तो दोनों articles याद रखिएगा Article 356 and Article 365 जिनका जिक्र यशवंत सिन्हा जी ने किया है एंड यहां पर उन्होंने कुछ कारण दिए हैं कि वाई ही इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो नागरिकता कानून के खिलाफ क्यों है इन सारे रीजन्स को जो है वो हम लोग भी अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं कि वाई इट इज़ बैड और वट इज़ द प्रॉब्लम विद द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट तो सबसे पहला उन्होंने जो रीज़न दिया है वो ये है कि इट इज़ अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो जो हमारे संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ है दूसरा कारण उन्होंने क्या दिया है कि दैट इज कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज़ द पावर टू ग्रांट सिटीजनशिप टू एनीबडी इट विस्ट एज पर द ओरिजिनल लॉ तो सरकार के पास पहले से ही शक्ति है कि वो जिसको भी देना चाहे नागरिकता वो दे सकते हैं ठीक है तो इस कानून की कोई जरूरत नहीं तो इस कानून की कोई जरूरत नहीं थी
तीसरा जो उन्होंने रीजन दिया है कि द लैंग्वेज यूज्ड इन द लॉ इज मेकिंग इट हार्ड टू इम्प्लीमेंट, जिस तरह की भाषा इस कानून में यूज की गई है दैट इज मेकिंग इट हार्ड टू इम्प्लीमेंट, एंड इसका जो इंटेंट है वो नागरिकता देना नहीं, रैदर इट इज टू मिसलीड द पीपल। तो ये तीन कारण उन्होंने दिए हैं सीए के विरोध में। नाउ कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एंड इसी पेज पर एक और जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू लोकस्ट, एंड लोकस्ट अटैक इज नाउ स्प्रेडिंग इन पंजाब एंड हरियाणा। तो एक तरह का फियर है राजस्थान के बाद जो है वहाँ से जो लोकस्ट अटैक है दैट कुड बी सीन इन द विलेजेस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इंडिया में 1962 के बाद कोई भी फुल ब्लोन लोकस्ट अटैक नहीं हुआ है। 1973 में लार्ज स्केल स्प्रेड हुआ है बट देर वॉज नॉट फुल ब्लोन लोकस्ट अटैक। तो हम लोग थोड़ा सा लोकस्ट के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। अ लोकस्ट इज अ लार्ज मेनली ट्रॉपिकल ग्रास होपर विथ स्ट्रॉन्ग पावर्स ऑफ फ्लाइट। तो लोकस्ट क्या है, एक ट्रॉपिकल ग्रास होपर है एंड जनरली दे आर सीन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई, क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं जो कीड़े मकौड़े हैं वो बरसात के मौसम में ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एंड दे हैव अ कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई, फॉर्म ग्रुप्स, माइग्रेट ओवर रिलेटिवली लार्ज डिस्टेंसेज, दे कैन फ्लाई अप टू 150 किलोमीटर पर डे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दूर तक ये फैल सकता है अगर एक बार फैलने लग जाए। अ वेरी स्मॉल स्वॉर्म ईट्स एज मच इन वन डे एज अबाउट 35,000 पीपल, एंड जो है इसके कारण क्या है, एक दिन में जो इनका एक समूह होता है छोटा समूह भी 35,000 लोग जितना खाना खाएं उतना फसल वो नष्ट कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा अटैक है एंड इसको लेकर के हमेशा ही सतर्क रहना पड़ता है। इस बार जो लोकस्ट अटैक है दैट इज फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से वो इंडिया में स्प्रेड हुआ है, एंड हमको यहाँ पर एक और फैक्ट याद रखना है कि जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है हमारा वो कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन जोधपुर राजस्थान। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर लोकस्ट के बारे में कि ये क्या है, इट इज़ अ ट्रॉपिकल ग्रास होपर एंड इट इज़ अ थ्रेट टू इंडियन एग्रीकल्चर, एंड इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज इन जोधपुर। नाउ कम टू पेज नंबर 8, एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, और आंध्र प्रदेश असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है टू एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब इसी को लेकर के आज एक दूसरा एडिटोरियल भी था हमारा जो वहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया, ताकि यहाँ पर सारे उसको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको एक साथ कवर किया जा सके। तो वहाँ पर एडिटोरियल में इस चीज़ को बोला गया था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको सिर्फ पॉलिटिक्स के कारण बंद नहीं करना चाहिए या चालू नहीं किया जाना चाहिए, देयर शुड बी अ प्रॉपर रीजन फॉर एबॉलिशिंग एज वेल एज क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो अब आंध्र प्रदेश में क्या है कि वहाँ पर 3 कैपिटल्स बनाने की कोशिश की जा रही है, एंड उसको हो सकता है कि जो वहाँ का अपर हाउस है वो रोक सके, या फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो उस बिल पर रोक लगा दे, क्योंकि वहाँ पर जो मेजॉरिटी है दैट इज़ नॉट विद द YSRCP गवर्नमेंट। तो एक तरह से उसको बाईपास करने के लिए बोला जा रहा है कि देयर शुड बी एन एबोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आपसे भी मेंस में GS2 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेदर लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी देयर और नॉट, तो आप लोग आज कमेंट करके बताइएगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो किसी भी स्टेट में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसका क्या रीज़न है ना होने का या होने का। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग आंसर करिएगा। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि हम उस लोग जानते हैं कि इंडिया हैज़ अ बाइकैमरल सिस्टम एट द सेंटर, दैट इज देयर आर 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो एक लोकसभा है, दूसरी है राज्यसभा। उसी तरह से स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में हमारे यहाँ क्या है कि देयर आर 2 हाउसेस। फर्स्ट वन इज लाइक लोकसभा, देयर इज अ विधानसभा जहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, एंड दूसरा जिस तरह राज्यसभा है हमारी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसी तरह से कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसको विधान परिषद के नाम से जाना जाता है, एंड उसके जो मेंबर्स का इलेक्शन है दैट इज अब वहां पर उसके अलग अलग मतलब इलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर से देखेंगे। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि 2 बॉडीज हैं, एक विधानसभा दैट इज लोअर हाउस, एंड सेकंड वन इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल और द विधान परिषद। ठीक है, अब इसको बनाने का कारण क्या है, सबसे पहला कारण यही होता है किसी भी दूसरे हाउस को बनाने का कि कोई भी जल्दी जल्दी में फैसला नहीं लिया जाए और एक तरह से सोच विचार करके फैसला लिया जा सके, इसके लिए ऐसी बॉडीज को क्रिएट किया जाता है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल से जुड़ा हुआ जो हमारा आर्टिकल है
दैट इज आर्टिकल 169, ठीक है। तो एबोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, वो ये बोला गया है कि इट कैन नॉट हैव मोर देन अ थर्ड ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली ऑफ दैट स्टेट एंड इन नो केस फ्यूअर देन 40 मेंबर्स। तो जो वहां की किसी भी स्टेट की विधानसभा है उसकी एक तिहाई से ज्यादा लोग विधान परिषद में सदस्य नहीं हो सकते और 40 से कम नहीं हो सकते। अब अगर इलेक्शंस की बात करें तो 1/3 आर मेंबर्स इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड अदर लोकल अथॉरिटीज, 1/12 बाय एन इलेक्टोरेट कंसिस्टिंग ऑफ टीचर्स एंड 1/12 बाय रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स, एंड जो रिमेनिंग 1/12 है दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। तो यह ध्यान रखिएगा यहां पर 1/3 आर इलेक्टेड बाय MLAs, 1/3 कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड अदर लोकल अथॉरिटीज, 1/12 बाय एन इलेक्टोरेट consisting of teachers and 1/12 by registered graduates and remaining are nominated by the governor from among the people who have distinguished themselves in literature literature, science, art, cooperative movement and social service। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर legislative council के बारे में। नाउ कम टू द बिजनेस पेज, एंड यहाँ पर आज जो एक हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड जो अभी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन है अजय त्यागी, उनका टेन्योर जो कार्यकाल है वो अगले महीने खत्म होने वाला है। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ने उनका जो सक्सेसर अपॉइंट करने के लिए एप्लीकेशंस मंगाए हैं, ठीक है। तो इस न्यूज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। हम लोग थोड़ा सा सेबी के बारे में देख लेते हैं कि कब बना था और इसका क्या काम है। तो सेबी जो है इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब पार्लियामेंट के किसी एक्ट के कारण एग्जिस्टेंस में आई। तो सेबी से जुड़ा हुआ एक्ट कौन सा है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। एंड सिक्योरिटी सेबी के बारे में ध्यान रखिएगा, इट इज रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है इंडिया में? सेबी। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में है। एंड रीजनल ऑफिसेस कहाँ लोकेटेड हैं? दे आर लोकेटेड इन अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली। तो ये था हमारा आज का न्यूज डिस्कशन। अब आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका आंसर कर दिया जाए। एंड सॉरी आज आप लोगों को काफ़ी डिस्टर्बेंस सुनाई दे रही होगी बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड शुभम सर इज ऑल्सो बिजी विद सम सॉर्ट ऑफ वर्क विच वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो वी आर रियली सॉरी कि आज आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ है। एंड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ए एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बी। तो ये था आज का न्यूज़ डिस्कशन। आई होप यू वुड टॉलरेट दिस न्यूज़ डिस्कशन। दिस विल ओनली हैपन वंस इन अ वाइल व्हेन आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो ये था आज का न्यूज़ डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल। हैव अ ग्रेट डे अहेड।